इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। यहोशापात का राज्य और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इसराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया और उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी और यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इसराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी और उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकरियाह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया और उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अद्दोनियाह, तोबियाह और तोबदोनियाह नाम लेवीय और उनके संग एलिशामा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझाकर चांदी लाए और अरबी लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडारों के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे प्रधान अदना जिसके साथ 300,000 शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान योहानान जिसके साथ 280,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था उसके साथ 200,000 शूरवीर थे। फिर बिन्यामिन में से एल्यादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 200,000 धनुर्धारी थे और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 180,000 पुरुष थे। वे ये हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया था।